नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। आप देख रहे हैं अंतरिक्ष न्यूज, अंतरिक्ष न्यूज आपके संघर्ष का साथी। पहले प्रमुख खबरें। अंतरिक्षकों ने 100 बच्चों की वाद्यता और सुशील के लिए मांग पत्र दिया। मिलक के एक अंतरिक्षक की एक्सीडेंट में मौत। जूनियर की छात्राओं ने विशेष कार्यक्रम ओजोन दिवस पर प्रस्तुत किया। अब खबर विस्तार से साथियों, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि शिक्षा मंत्री के लिए अंतरिक्षक शिक्षा मित्रों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन 100 बच्चों की बाध्यता और CCL प्राप्त करने के लिए है। किसी जनपदों में EL व्यवस्था CCL की शिक्षिकाओं के लिए नहीं है और इसके लिए अंतरिक्षक और शिक्षा मित्रों ने मिलकर माननीय वैश्विक शिक्षा मंत्री जी के लिए ज्ञापन सौंपा है। मांग रखी है कि उन्हें CCL की सुविधा दी जाए। इसके साथ ही अंतरिक्षकों ने मांग रखी है कि 100 बच्चों की बाध्यता समाप्त की जाए। जहां पर 100 बच्चे नहीं हैं वहां पर भी अंतरिक्षकों की तैनाती दी जाए। ज्ञापन में 100 बच्चों की बाध्यता समाप्त करने के साथ साथ स्वतः नवीनीकरण की मांग एवं अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र जल्द शुरू किया जाए इसके लिए बात रखी गई, जिस पर माननीय मंत्री जी से वार्ता सकारात्मक रही। अत्यंत भीड़ होने के बावजूद भी मंत्री जी ने समस्याओं को सुने व जल्द विचार करने का आश्वासन दिया। मांग पत्र को अपने पास रखते हुए बोले कि जल्द विचार करता हूं। इसके लिए मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित किया समस्त अंतरिक्षक अंतरिक्षिकाओं ने। साथियों, यहाँ पर विद्यालयों के नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण किए जाने के संबंध में एक आदेश आ रहा है, जिसको 16 सितंबर से लगातार 30 सितंबर तक जारी रखा जाएगा और प्रतिदिन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा, अनुश्रवण किया जाएगा। इसलिए सभी अंतरिक्षक और शिक्षक सावधान रहें, नियमित स्कूल जाएं और समय से जाएं, समय से आएं। साथ ही मानदेय 17,009% ब्याज के मामले को रिजर्व कर लिया है कोर्ट ने। ब्रेकिंग न्यूज है साथियों, यहाँ पर अंतरिक्षकों में एक अजीब सी बेचैनी है इस मामले की सुनवाई को लेकर और आदेश क्या आएगा उसको लेकर। लगातार प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि फैसला उनके हक में हो। हम भी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी लोग ऐसे ही धैर्य बनाए रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें, जीत आपकी होगी। दोस्तों, आइए दिखाते हैं विश्व ओजोन दिवस पर मनाए गए कार्यक्रम में जूनियर की छात्र छात्राओं ने विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। लोकगीत के माध्यम से जागरूकता संदेश दिया है पूरे विश्व के लिए कि हमें ओजोन परत की किस तरीके से देखभाल करना चाहिए। आइए देखते हैं ये खास वीडियो जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से लिया गया है। संकल्प आज ले हो 16 सितंबर ओजोन दिवस मिलके संकल्प आज ले हो रक्षक हमारी ओजोन परत मिलके इसको बचाए ले हो रक्षक हमारी ओजोन परत मिलके इसको बचाए ले हो रक्षक हमारी ओजोन परत मिलके इसको तुम बतिया ये जान ले हो ऐसा जो करियो मुसीबत में फंसियो तुम बतिया ये जान
अच्छा तो